तो टॉपिक हम ये स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो हरीन। कल बेटा हमने इसको एक मेथड आपको करवाया था मैंने बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन, तो आज मैं इसके सेकंड मेथड की तरफ आगे डिस्कस करूंगी टॉपिक को। और हमारा सेकंड मेथड है साइड चेन हेलोजिनेशन। बेटा कल मैंने आपको करवाया था डायरेक्ट हेलोजिनेशन, उसमें क्या हुआ था डायरेक्ट हेलोजन ऐड हो रहा था, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या होगा, जो आपकी साइड चेन है एरोमेटिक की, उस साइड चेन में हेलोजन की एडिशन होगी, ठीक है। और ये होगा आपकी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा। बड़ी आसान सी कॉमन सी रिएक्शन है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन होगा। अब कैसे वो आप देखिए, तो मान लो बेटा मैंने ये लिया बेंजीन, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और मैंने इस पे ये जोड़ा CH3, तो ये CH3 इसकी साइड चेन है। आपको ध्यान होगा प्लस वन क्लास का, बेंजीन पे CH3 क्या होती है, टोलिन। बेंजीन पे CH3 क्या होता है, टोलिन होता है। और आपको हकल रूल मैंने करवाया था, टोलिन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सो टोलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें साइड चेन क्या है बेटा, ये है CH3 यहाँ पर क्या है, साइड चेन। बेटा प्लीज आप सब अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाए और साथ साथ नोट डाउन भी कर ले। तो ये आपकी साइड चेन है बेंजीन पे CH3। अब हमें इस साइड चेन पे हेलोजिनेशन करवाना है, मतलब हमें इस साइड चेन पे हेलोजन को जोड़ना है। तो अब मैंने बेटा प्लस में यहाँ ले लिया Cl2, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। हमने टेम्परेचर यहाँ पे लिया 383 केल्विन, या प्रेजेंस ऑफ लाइट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब होगा क्या, जो आपकी साइड चेन है इसमें हेलोजन की एडिशन होगी, साइड चेन में हेलोजन की एडिशन होगी। तो बेटा होगा तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन ही, तो ये एक एच है और ये एक सीएल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक एच और एक सीएल क्या माइनस कर दिया, एच सी एल माइनस कर दिया। अब आप बताओ बेटा, जब यहाँ से एक एच हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये होगा आपका CH2। CH3 से क्या हो गया, ये CH2। अब बदले में एक एच यहाँ से निकला और एक सीएल यहाँ पे जुड़ गया, तो ये बन गया CH2Cl। तो आप देखिए मैंने साइड चेन में क्या ऐड कर दिया, हेलोजन ऐड कर दिया। साइड चेन में हमने क्या ऐड किया, हेलोजन को ऐड किया, ठीक है। जब साइड चेन में हेलोजन ऐड होगा तो उसे हम बोलेंगे साइड चेन हेलोजिनेशन। अब इसके अगर कॉमन नेम की बात करूं ना, तो इसका कॉमन नेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेंजीन पे CH2 क्या होता है बेटा, कॉमन नेम में बेंजाइल, और Cl होता है क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड होगा। अब बेटा ये रिपीटेड है, अब इसमें फिर से आप क्या ऐड कर सकते हो, Cl2। इसमें दोबारा से आप क्या ऐड करेंगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से क्या माइनस होगा, HCl। तो बताइए इस बार क्या बनेगा बेटा, इस बार जो ये बेंजीन रिंग है यहाँ पर एक एच और हट जाएगा, पहले यहाँ पे 2H थे, अब एक एच यहाँ से और निकल गया, तो अब ये बन गया CHCl2। अब ये क्या बन गया, CHCl2, ठीक है। अब जब भी बेंजीन पे होता है CH तो उसे कॉमन नेम में बोलते हैं बेंजल, तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, बेंजल। बेंजीन पे CH2 होता है बेंजाइल और CH होता है बेंजल, तो इसका नाम हुआ बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, ठीक है। अब इसमें फर्दर हम यही करें, Cl2 ऐड करें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से क्या माइनस होगा, HCl। हर बार यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही होगा, तो इस बार क्या बनेगा बेटा बताइए, इस बार ये जो एक आपकी H है ये भी निकल जाएगी और C के पास तीनों ही क्या आ जाएंगे, Cl, ठीक है। ये CCl3 बना। अब CCl3 का नाम होता है बेटा, बेंजीन पे C होता है बेंजो, बेंजीन पे सी क्या होगा, बेंजो, और तीन यहाँ पे सीएल है, तो ये आपका बन गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये क्या बना आपका, बेंजो ट्राइक्लोराइड बना, ठीक है। अब बेटा मैंने सिर्फ इनके कॉमन नेम लिखे, इनके मैंने IUPAC नेम ही लिखे, आप बताएंगे इस पहले का IUPAC नेम क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान करो प्लस वन क्लास का। जिस कार्बन पे हेलोजन उसकी नंबरिंग की,
तो ये हमारा कार्बन वन हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये C6H5 है, और C6H5 को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, एक तो वन पे क्लोरो है, एक वन पे ही फिनाइल है, वन क्लोरो वन फिनाइल, और बस नंबरिंग एक ही कार्बन की हुई तो मिथेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हुआ, वन क्लोरो वन फिनाइल मिथेन। अब अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो वन वन डाई क्लोरो वन वन डाई क्लोरो वन फिनाइल, बेटा नंबरिंग एक ही कार्बन की हुई तो मिथेन, और इसका नेम बताइए आप वन 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 ट्राइक्लोरो, वन 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 ट्राइक्लोरो, वन पे ही फिनाइल है, बस क्या लिखू बार बार मिथेन। अब चाहे आप वन 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 ना भी लिखे तो भी ठीक है, ट्राइक्लोरो फिनाइल मिथेन, ट्राइक्लोरो फिनाइल मिथेन, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आया, यहाँ पर हमने क्या किया साइड चेन हेलोजिनेशन की, यहाँ पर हमने किया साइड चेन हेलोजिनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसका आंसर आप बताइएगा। ये मैंने लिया टोल ही नहीं, फिर से मैं ले रही हूं, या मान लो मैंने ये लिया CH2CH3, इसका नाम बेटा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है। प्लस में हमने यहां पे लिया L2 होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। कंडीशन आपकी सेम है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट परोक्साइड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, इतना लिखा होगा कंडीशन के साथ, आपको इसका आंसर बताना होगा क्या इसका आंसर है। तो बताइए इसका आंसर, बड़ा आसान है, साइड वाले चेन पे क्या जुड़ेगा, अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो बेंजीन रिंग का जस्ट नेक्स्ट, बेंजाइल, तो जो ये बेंजाइल कार्बन है ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बेंजाइल कार्बन जो आपका है उसके ऊपर से आप H हटाओगे, तो यहां पर इस वाले कार्बन की क्या हटेगी H, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, अभी इस C पर 2H थी, 1H मैंने हटा दी और बदले में यहाँ पे क्या जोड़ दिया Cl, और ये आपका हो गया CH3। आया समझ में, तो ये इसका आंसर हुआ। अब इस कंपाउंड का नेम बताइए, तो नंबरिंग होगी इस कार्बन से 1, 2, तो नेम बताओ बेटा, 1 पे ही क्लोरो है, बेशक आप 1 ना लिखे कोई जरूरत नहीं है 1 को लिखने की, 1 पे ही क्या है ये पूरा फिनाइल है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और नंबरिंग में 2 कार्बन है तो इथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको अभी अभी समझाया साइड चेन हेलोजिनेशन, और यहां मैंने आपको ये भी बताया कि जब कभी भी ऐसा होगा कि साइड चेन में कार्बन एटम एक से ज्यादा होगा तो किस कार्बन की हाइड्रोजन हटेगी, जो बेंजीन रिंग का जस्ट नेक्स्ट कार्बन होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बेंजाइल कार्बन, क्या होगा बेटा, बेंजाइल कार्बन होगा, तो ये आपका बेंजाइल कार्बन है, ठीक है, कर लेंगे। और इसमें मैकेनिज्म कौन सा लगता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पे हुआ, चाहे हेलोजिनेशन हो चाहे आपका साइड चेन हेलोजिनेशन हो, इन सब में मैकेनिज्म कौन सा होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पता है ना फ्री रेडिकल क्या होता है, जब भी किसी एलिमेंट पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ओड इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा कुछ एक स्पेसिफिक रिएक्शंस है, वो रिएक्शन हमें यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहली रिएक्शन आपकी है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। बेटा 12th के सिलेबस में ना यही मेन है, आपके सिलेबस में कम से कम 50 से 60 तक केमिकल रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, इनको आपको नेम के साथ लाइन करना होता है, तो ये एक साथ तो लाइन होगी नहीं, धीरे धीरे आपको याद ये सारी हो जाएगी। तो रिएक्शन है आपकी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये तो स्पेसिफिक है, बार बार पढ़ने से याद होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी डाइजोनियम साल्ट की। अब कैसे होगी वो आप देखिए, तो हमने लिया बेटा एनिलीन, एनिलीन क्या होता है बताइए,
बेंजीन पे एनएच टू, तो यहां हमने एनिलीन लिया बेंजीन पे एनएच टू, ठीक है। और एनिलीन की रिएक्शन हमें करवानी है एच एन ओ टू से, किससे करवानी है एच एन ओ टू से। बेटा एच एन ओ टू होता है नाइट्रस एसिड, एच एन ओ थ्री होता है नाइट्रिक एसिड, और एच एन ओ टू होता है नाइट्रस एसिड। तो बेटा आप लोगों ने लैब में एच एन ओ थ्री तो देखा है नाइट्रिक एसिड तो, बट तुमने लैब में कभी ये नहीं देखा होगा एच एन ओ टू नाइट्रस एसिड। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि बेटा जो एच एन ओ टू है ना वो स्टोर नहीं कर सकते हम, ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसकी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो इसको स्टोर करके रखना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसको हम एट ए टाइम बढ़ाते हैं ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्शन, इसको रिएक्शन की रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही बनाया जाता है। तो फिर हम लैब में HNO2 कैसे बनाएंगे? तो बेटा हम लैब में HNO2 बनाएंगे NaNO2 और HCl को मिक्स करके, हमें ये दोनों रिएजेंट लैब में मिलेंगे NaNO2 भी और HCl भी। NaNO2 क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट। और HCl आपका क्या हुआ? आपको पता ही है। तो ये दोनों आपको लैब में मिलेंगे, आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना आपको जो टेस्ट ट्यूब्स है ना ये जिसमें आप ये डालोगे NaNO2 और HCl, इन्हें बिल्कुल आइस कोल्ड बाथ में ही रखना है। मतलब जो आपका सॉल्यूशन ये आप ले रहे हो इनका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, इनको आपको आइस बाथ में रखना है, अदरवाइज रिएक्शन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, वहीं पर ही एक्सप्लोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन आप क्या लिखेंगे, ये HNO2 जो है आपका कैसे बनेगा? तो आप यहाँ लिखोगे NaNO2 कोमा HCl। और बेटा एग्जाम में ना आपको ये सब लिखने होते हैं, अगर आपने रिएजेंट नहीं लिखे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सारी कंडीशंस हमेशा लिखनी होती है रिएक्शन के टाइम पे। तो ये दोनों हमने क्यों लिखे कि भाई इन दोनों की हेल्प से हमने ये क्या जनरेट किया HNO2, टेम्परेचर मस्ट बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा। डाइजोनियम साल्ट क्या होगा, ये हमने लिया बेंजीन और इस पे मैंने जोड़ दिया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बेंजीन पे क्या जुड़ गया, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका नाम होता है बेटा बेंजीन, ये तो बेंजीन है ही। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को बोलते हैं डायएजो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजो बोलते हैं। तो ये बेटा दो एन यहाँ पे है तो ये डायएजो हो गया, क्या हुआ ये डाई एचओ। अब इस पे चार्ज है तो ईएम लगेगा, आयन की फॉर्म में है, तो इसका नाम होगा बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम। और सीएल नेगेटिव कौन सा आयन होता है, क्लोराइड। तो बेटा इस सॉल्ट का नाम क्या हुआ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो ये आपकी रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब बेटा ये रिएक्शन मैंने यहाँ क्यों करवाई, मेरा टॉपिक तो क्या चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। अब यहाँ तो हेलो अरीन नहीं बना, तो अब मैंने रिएक्शन आपको इसलिए करवाई क्योंकि जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी डाइजोनियम सॉल्ट की। अच्छा बेटा जो ये हमने HNO2 एट ए टाइम बनाया है इन दोनों को मिक्स करके, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन सीटू, इन सीटू का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन या ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया बेटा, ये आपकी रिएक्शन हुई डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन करवाती हूँ, और जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सारी आएंगी 1-1 मार्क्स में, ये मे बी आपका नेमिंग के थ्रू आए, डायरेक्ट नेम से आए, या मे बी हो सकता है नेम से ना आए, कंडीशन लिखी आई, प्रोडक्ट आपसे पूछ ले। तो अगली रिएक्शन आपकी है सैंडमीयर रिएक्शन, सैंडमीयर रिएक्शन, ठीक है। क्या है बेटा इस रिएक्शन, देखो इसके 3-4 एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम लेते हैं बेटा डाइजोनियम साल्ट, तो मैंने ये ले लिया बेंजीन पे N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका नाम आपको पता चल ही गया, क्या है बेटा ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। चलो अब इसकी रिएक्शन करते हैं। तो बेटा एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहली कंडीशन मैं यहां लिख रही हूं, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl और HCl, ठीक है।
सेकंड हम यहाँ पे कर लेते हैं Cu2Br2 और HBr। देखिए बेटा कोई खास फर्क नहीं है यहाँ पे, मैं CuCl लिखूं या Cu2Cl2 लिखूं, बात तो एक ही है, क्यू प्लस ही है, टू टू है, कॉमन ही हो गया टू, तो कोई फर्क नहीं है मैं CuCl लिखूं या Cu2Cl2 लिखूं, ठीक है। एक और है CuCn और KCl, ठीक है। ये सब कंडीशंस हमने यहाँ पे लिखी है, अब इन सब के प्रोडक्ट क्या होंगे वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो बेटा तीनों ही आपके सैंडमेयर रिएक्शन के एग्जाम्पल है, एग्जाम में तीनों में से कोई भी आप लिखे वो ठीक होगा आपका। तो आंसर क्या होगा देखिए, पहले केस में अगर आपने रिएक्शन की है CuCl और HCl की प्रेजेंस में, तो बेंजीन पे जुड़ेगा Cl, क्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस में निकलेगा N2, प्लस में क्या निकलेगा N2। अगर आपने लिया है Cu2Br2 और HBr, तो बेंजीन पे क्या जुड़ेगा Br जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बेटा Br, प्लस में क्या निकलेगा N2। और अगर आपने ये लिया है CuCn और KCn, तो फिर बेंजीन पे CN जुड़ेगा, प्लस में क्या निकलेगा N2 निकलेगा, ठीक है। तो बेटा आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में आई, बोलो कर लोगे। अच्छा अब बेटा अगर मान लो ये रिएक्शन है फिर से ऐसा ही है N2 पॉजिटिव और CN नेगेटिव, बेटा जब इसकी रिएक्शन KI के साथ होती है ना, तो हमें KI के साथ ये नहीं चाहिए, CuI नहीं चाहिए, KI के साथ हमें क्यूप्रस आयोडाइड नहीं चाहिए। मैंने ये नहीं लिखा CuI और KI, क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि KI तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, KI तो हाईली रिएक्टिव है, तो ये सिंपली रिएक्शन शो कर देगा, इसे किसी कॉपर साल्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा, एग्जाम में ये आ गया बेटा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस KI, इसको वार्म किया और KI यहाँ पे एक्वस है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा जो बेंजीन रिंग है, KI आपने लिया है तो बेंजीन पे क्या जुड़ेगा I जुड़ेगा, प्लस में क्या निकलेगा N2, प्लस में एक ये K और एक ये Cl, क्या निकलेगा KCl। तो ये बेंजीन पे I जुड़ गया, मतलब क्या बन गया आयोडोबेंजीन, ये बेटा क्या फॉर्म हुआ आयोडो बेंजीन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको आई ऐसे लगाना है। बेटा एक बात और, हमारे सिलेबस में ना कन्वर्जन भी है, तो 12th के सिलेबस में बहुत सारे कन्वर्जन है। कन्वर्जन में क्या होता है, पेपर में ऐसे आएगा मान लो कन्वर्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू आयोडो बेंजीन, तो 1-1 मार्क्स में आना सब कुछ, कन्वर्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू आयोडो बेंजीन, तो फिर ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे। तो आपको ये रिएक्शन वहां पे लिखनी होगी कि भाई डायरेक्ट हम यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम साल्ट लेंगे, रिएक्शन उसकी KI से करेंगे, तो बेंजीन पे यहाँ पे I जुड़ जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा N2 आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब आप ये देखो, मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, ये दोनों सैंडमियर से बन गए, और ये भी सैंडमियर का एग्जाम्पल है, इससे आयोडोबेंजीन भी बन गया, ये मैंने बता दिया यहाँ कॉपर साल्ट आपका साथ में चाहिए नहीं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, तो बच गया एक। अब तक मैंने क्या नहीं बनाया, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया बेटा फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन आपका कैसे प्रिपेयर होगा वो आप देखिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। बेटा रिएक्शंस के नाम सारे आपको ऐसे ही मिलेंगे, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन, रिएक्शन इज द बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। अब बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन में क्या है वो आप देखिए बेटा, इसमें हम क्या करते हैं डाइजोनियम साल्टी लेते हैं, तो यहां हमने डाइजोनियम साल्टी लिया बेंजीन पे N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और जो ये हमने डाइजोनियम साल्ट लिया है इसकी रिएक्शन हम HBF4 से करते हैं, किससे करते हैं HBF4 से। HBF4 का नाम होता है बेटा फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4 का नाम क्या होता है फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। तो यहां हमने डाइजोनियम साल्ट लिया और उसकी रिएक्शन हमने कर दी HBF4 के साथ, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो क्या होगा देखो, यहां से ये H और यहां से ये Cl, क्या माइनस हो गया HCl, ठीक है। रिएक्शन हमने कर दी 0 से 5 डिग्री के बीच, क्या माइनस हो गया HCl, तो यहां बेटा एक इंटरमीडिएट बना, और वो इंटरमीडिएट क्या होगा बेंजीन पे N2 पॉजिटिव, बेटा ये ऐसे टूटेगा ना H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, तो एक H और एक Cl, HCl तो बाहर चला गया, तो बच गया N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव,
एन टू पॉजिटिव एंड बी एफ फोर नेगेटिव। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड को हम डायरेक्ट हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग पे आ जाएगा एफ, क्या आएगा एफ आएगा, यहां से एक एफ तो यहां आ गया, प्लस में निकल गया एन टू, प्लस में निकल गया बी एफ थ्री, बेंजीन रिंग पे एफ आ गया, प्लस में एन टू निकल गया, प्लस में बी एफ थ्री, तो ये आपका क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। ये हमने क्या बनाया बेटा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, एंड इट इज द ओनली मेथड, इट इज द ओनली मेथड टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन। बेटा फ्लोरोबेंजीन को बनाने का और कोई मेथड नहीं है, सिर्फ ये एक ही मेथड है, आपको पीछे का ध्यान हो, फ्लोरो एल्केन बनाने की भी सिर्फ एक ही रिएक्शन थी हेलोजन एक्सचेंज में, कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। हेलो बेटा, अगर आपको फ्लोरो लगाना है स्ट्रेट चेन, तो वाई की रिएक्शन थी कौन सी, स्वार्ट्स रिएक्शन। यहां भी आपकी एक ही रिएक्शन है, और वो एक रिएक्शन क्या है आपकी, दैट इज द बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। ओके, सो अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, अभी नेम रिएक्शन ही आपकी चल रही है इस टॉपिक में, टॉपिक आपको पता ही है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन का है, तो अब इसमें नेक्स्ट रिएक्शन क्या है वो आप देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज द गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। बेटा बिल्कुल सेम सैंडमियर रिएक्शन जैसी है ये, जैसी सैंडमियर रिएक्शन थी ना, सेम ऐसी गटरमैन रिएक्शन है। अब गटरमैन रिएक्शन क्या होती है वो आप देखिए, यहां भी हम डाइजोनियम साल्टी लेते हैं, तो ये हमने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हमने लिया बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो अब इसमें करना क्या है, एग्जाम में कैसे आएगा ये, इसकी रिएक्शन यहां तो मैंने कर दी कॉपर पाउडर और HCl के साथ, और मैंने यहां रिएक्शन कर दी कॉपर पाउडर और HBr के साथ, बस इतना सा फर्क है बेटा, थोड़ा पीछे का ध्यान करो, सैंडमियर रिएक्शन में यहाँ पर CuCl था, देखो क्या था, CuCl और HCl, cuprous halide था यहाँ पे, cuprous chloride, इसमें ना सिर्फ Cu है, CuCl नहीं है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या फर्क है दोनों में, उसमें बेटा कॉपर पाउडर था, यहाँ पे तो कॉपर पाउडर है लेकिन उसमें कॉपर का साल्ट था CuCl, CuBr, CuBr लिखो, Cu2Br2 लिखो, बात एक ही है, तो आंसर इसके भी सेम होंगे, अगर आपने कॉपर मेटल प्लस में HCl लिया है तब तो बेंजीन पे क्या जुड़ेगा, Cl क्लोरोबेंजीन, प्लस क्या निकलेगा बेटा N2, और अगर आपने Cu और HBr लिया है तो बेंजीन पे Br जुड़ेगा, प्लस में क्या निकलेगा N2। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हुई गटरमैन रिएक्शन, तो इसके बाद आपकी लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन की, और आपकी आखिरी रिएक्शन है वो आपने पहले भी पढ़ी थी एक बार, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, तब मैंने पढ़ाई थी बेटा एलिफेटिक सॉल्ट के लिए, अब मैं पढ़ा रही हूं एरोमेटिक के लिए, तो रिएक्शन क्या है, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। अब बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन में है क्या वो आप देखिए, तो ये हमने लिया बेटा, यहां पर हम सिल्वर सॉल्ट लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का, बेंजीन पे हमने लिया COO, हमने बेंजोइक एसिड लिया था प्लस AgOH लिया था, तो इसका तो H और इसका OH क्या माइनस हो जाता है H2O, तो क्या बन गया बेटा COOAG, क्या बन गया बोलो COOAG बन गया, COOAG का नाम क्या होगा, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट, ये बेंजोइक एसिड था प्लस में सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या बना, सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, तो ये हमने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन हमने कर दी Br2 के साथ, इसकी रिएक्शन हमने की Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4,
अब सीसीएल फोर ही क्यों लिया, आपको पता है बी आर टू नॉन पोलर है, बी आर टू कैसा है बेटा, नॉन पोलर है, तो ये किसमें डिसोल्व होगा, नॉन पोलर सोलवेंट में, तो सीसीएल फोर भी कैसा सोलवेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे सीसीएल फोर लिया है। साथ में हमें इसको यहाँ पे रिफ्लक्स करना पड़ेगा, हम इसको यहाँ पे रिफ्लक्स करेंगे बेटा, रिफ्लक्स का मतलब होता है इसको हम कंडेंस करेंगे यहाँ पे, तो बनेगा क्या वो आप देखिए, बड़ी आसान सी रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन होते तो सारे आसान है, बस थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है इनको। तो ये जो बी आर टू है ना, इसका एक बी आर डायरेक्ट यहाँ एरोमेटिक रिंग पे आपके जुड़ गया, बन गया हेलोरिन, क्या ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, क्या बन गया ये ब्रोमो बेंजीन, प्लस एक ही एजी और एक ही बी आर, क्या निकल गया एजी बी आर, प्रेसिपिटेट बनते हैं बेटा, लाइट येलो प्रेसिपिटेट। अब क्या बचा, साथ में निकल गया सीओ, साथ में क्या निकल गया सीओ टू, तो ये आपका बन गया ना हेलोरिन प्लस में एजी बी आर निकल गया और प्लस में आपका सीओ टू निकल गया, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। ओके, आपको ये समझ में आया, ठीक है, तो चलिए आप इसके बाद बेटा ये टॉपिक आपका पूरा हुआ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन का, तो बेटा चैप्टर 10 में दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का और प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन का, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका क्या है वो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका बेटा, मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ आप बता देखना इसका आंसर क्या होगा, ये मैंने लिया बेटा, ठीक है, और इस पे मैंने लगाया OH, OH क्या होता है फिनोल, क्या होता है फिनोल, ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पे लिया KCl, क्या लिया KCl लिया, ओके, इसका आंसर क्या होगा। अब बेटा कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे क्या करेंगे, फटाफट से सोचेंगे यहाँ से OH हटा दो और बदले में क्या जोड़ दो Cl और प्लस में क्या निकाल दो KOH, ठीक है बेटा, सभी डायरेक्टली सोचते हैं यहाँ से OH हटके क्या आ जाएगा Cl, प्लस में क्या निकल जाएगा KOH, पर बेटा ऐसा होगा नहीं, इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन, इसका आंसर क्या आएगा नो रिएक्शन आएगा। अब इसका आंसर नो रिएक्शन आएगा तो क्वेश्चन ये है व्हाई हेलोअरीन्स डू नॉट प्रिपेयर, व्हाई हेलोअरीन्स डू नॉट प्रिपेयर बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिनोल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाई, यहाँ फिनोल का OH रिप्लेस होके Cl क्यों नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा प्लस वन क्लास का ध्यान करो बेटा, मैंने आपको कॉन्जुगेशन रेजोनेंस करवाए थे सिग्मा पाई ये सब, तो यहाँ देखिए जो ये आपका फिनोल है रेजोनेंस को शो करेगा ये, अभी आपको पीछे का सब ध्यान आ जाएगा बेटा, O पर ये दो क्या है लोन पेयर, पता है ना आपको O का एटॉमिक नंबर होता है 8, डिवाइड करती हूँ तो 2 और 6, एक O पे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिलहाल इस O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, फिफ्थ यहाँ यूज हो गया, सिक्स्थ H के साथ यूज कर लिया, तो फिलहाल इस O पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिनोल है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, क्या है बेटा बोलो पाई सिग्मा लोन पेयर, आगे भी पूरा है पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ कॉन्जुगेशन तो पूरी है, रेजोनेंस यहाँ पे होगा, वो रेजोनेंस कैसे होगा, O के पास दो क्या पड़े हैं लोन पेयर, तो O अपने इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पे देगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमने ये सब कर रखा है ना बेटा 11th क्लास में, तो ये OH बना, अब इस O पे दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए है ना, लेकिन इस O पे अब चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, क्यों, इस O ने अपने दो क्या दिए हैं इलेक्ट्रॉन, इतना आप समझ गए। अब जरा एटम पे चार्ज होगा तो खुद को अनस्टेबल फील करता है, तो ये अब खुद को स्टेबल करना चाहेगा कैसे, अभी इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है
तो ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। तो वो बॉन्ड आपका कैसे बनेगा वो आप देखिए, इन दोनों कार इलेक्ट्रॉन ने यहाँ एक बॉन्ड बनाने की सोची, उससे क्या होगा यहाँ वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो कार्बन थ्री ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन फोर को दे दिया। तो इस बार बेटा क्या बनेगा वो आप देखिए, पता है ना डबल हेडेड एरो किसका साइन होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो इस बार आपका ये बना